दुआ सलाम और राम राम सभी भाइयों को। मैं आपका भाई विनय फिर से आपके लिए ले आया हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, जो कि विटामिन्स, मिनरल्स और सप्लीमेंट भी कह सकते हैं आप, उससे रिलेटेड है कि कबूतरों में रेगुलरली क्या यूज़ करना चाहिए। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है भाई, खास करके उनके लिए जिन्होंने नया कबूतरबाजी स्टार्ट करी है, और जो पुराने लोग हैं वो तो इन चीज़ों के बारे में जानते ही होंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले भाई मैं आपको बताता हूँ कि भाई सिरिंज के लिए एक भाई ने पूछा था कि इसके आगे जो ये पाइप लगता है इसको क्या कहते हैं। तो भाई ये जो पाइप होता है मैं आपके लिए लेकर भी आया हूँ, ठीक है, इसको भाई पोले बैलून कैथेटर कहते हैं। ठीक है, इसके आपको नाम भी स्क्रीन पे शो हो जाएगा और एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ठीक है, ये इस तरीके का कुछ होता है, देखिए आप। ठीक है, और इसका नाम ये लिखा हुआ, ठीक है, तो ये होता है भाई, इसको काट के यूज़ किया जाता है सिरिंज के आगे। ये इस वजह से यूज़ किया जाता है क्योंकि भाई अगर हम नॉर्मल पाइप यूज़ करेंगे या कुछ भी यूज़ करेंगे तो वो भाई अंदर जाके, सॉफ्ट स्किन होती है हमारी गली के अंदर, तो वो कबूतरों में भी सेम ऐसे ही होता है, तो वो अंदर जाकर काफ़ी चुभती है, तो इस वजह से यूज़ करा जाता है। काफ़ी सॉफ्ट होता है ये, ज़्यादा अंदर चुभता नहीं है और इजीली आप कुछ भी फीड करा सकते हो उसमें, पानी हो या कुछ भी हो। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं भाई अपने ऑस्टो कैल्शियम पे। ये भाई ऐसा विटामिन है जो सबको ही पता है कि भाई ये यूज़ होता है कबूतरों में या गाय भैंसों में, वेटिनरी वाले सब लोग इसको यूज़ करते हैं, बहुत अच्छा कैल्शियम है। और इसका यूज़ कैसे किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी मैंने बिल्कुल पैक ले रखा आपके लिए जिससे कि आपको ये बता सकूँ कि इसका यूज़ कैसे होता है। देखिए पहले आपको मैं दिखा देता हूँ जो भाइयों ने नहीं देखा हुआ, ये भाई ऑस्टोवेट है, ठीक है, ये हाफ हाफ लीटर का है ये, ठीक है, और जिस भाई को अगर आसपास की दुकान से मिल जाए तो अच्छी बात है भाई, अगर इसको ना मिले मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप ले लीजिएगा वहाँ से, सारी चीज़ों के दे दूंगा लिंक भाई, आप ले सकते हैं। इसमें भाई जो यूज़ होती है एक्चुअल में ये सिर्फ इस टाइम पे ये कैल्शियम है खाली, मेनली इसको एज अ कैल्शियम कंसिडर करा जाएगा, पर इसके बाद जो इसके अंदर विमरॉल यूज़ होगी तो भाई ये विटामिन और कैल्शियम दोनों मिलके दोनों का एक कॉम्बिनेशन हो जाता है। विमरॉल आप ये देख लीजिए, ठीक है, ये तो सब भाइयों को पता ही होगा, सब भाई यूज़ करते हैं। तो अब इसको यूज़ कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये भाई हमारा कैल्शियम है, पैक्ड है पूरा, जैसे अब ये कैल्शियम मैंने आपको बताया, इसको मैंने खोल लिया है, ठीक है, इसको मिलाने का तरीका बताता हूँ मैं आपको। ये भाई सबसे पहले तो आप इसके अंदर ना ये वाइट कलर की कैप होती है, इसको निकाल लीजिए, गत्ते की होती है, ठीक है, ये भाई निकाल ली, उसके बाद ये हमारी विमराल है भाई, जो कि इसमें काफ़ी सारे विटामिन होते हैं भाई, बहुत मतलब सबसे ज़्यादा यूज़ होती है भाई ये जो कबूतरों में, वेटिनरी जितने भी वो होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला आइटम भाई विमराल, हर बंदा यूज़ करता है इसको, चाहे वो घोड़े वाले हों, चाहे भैंस वाले हों, चाहे कोई भी हो, ठीक है। ये भाई ऐसे हम मिला देंगे, आधा लीटर में भाई, आधा लीटर जो ऑस्टोवेट है उसके अंदर 60 ml विमरॉल ऐड होती है, इसमें लिखा भी होता है ये, ठीक है। तो भाई हमने ये मिला दी विमरॉल बिल्कुल सारी की सारी, अब इसको हम बंद कर देंगे, ठीक है, और फिर इसको शेक करके, तो ये भाई हमारा तैयार हो गया ऑस्टो कैल्शियम विद विटामिन्स, ठीक है। तो आप ये देखिए अब इसका यूज कैसे करना है भाई, भाई ये यूज़ करना है आपको हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन भी कर सकते हैं, बट 2 दिन तो मिनिमम आपको करना ही है। और आपको 2 लीटर पानी में ये 5 से 7 ml यूज़ करना है, और वो पानी आपको अपने कबूतरों को पिलाने के लिए रख देना है। इससे क्या होगा भाई, आपके कबूतरों में किसी भी कैल्शियम की कमी नहीं होगी, ठीक है। कैल्शियम से भाई कई बार कबूतरियाँ जैसे अंडों से उठ जाती हैं, मतलब अंडों कच्चे अंडे रखती हैं, तो भाई उसके अंदर ये बहुत ही फायदेमंद चीज़ है ऑस्टो कैल्शियम है, और पर पटाई पे आप इसको यूज़ कर सकते हो भाई, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये। तो आप इसका यूज़ भाई, वैसे आप, मैं मेरा मानना तो यही है कि आप पूरे साल हफ्ते में 2 बारी तो करिए, और पर पटाई में आप 3 से 4 बारी इसको यूज़ करिए हर वीक में, ठीक है। तो हमने ऑस्टो कैल्शियम की बात कर ली, ऑस्टोवेट की, तो ये ऑस्टोवेट तो ये हो गया। इसके बाद आते हैं भाई अब हम ब्रूटोन पर। भाई ब्रूटोन बहुत ज़बरदस्त चीज़ है भाई ये, इसका अगर आपको सही से इस्तेमाल करना आ गया तो भाई आपके कबूतरों में कभी भी पोटे जाम की बीमारी नहीं आएगी, कभी भी भाई कोई मतलब लीवर से रिलेटेड या फिर कोई भी बीमारी आपके उसमें नहीं आएगी। चेक कर लीजिए भाई आप ब्रूटोन, ठीक है, सब भाई जानते होंगे इस बारे में,
इसका इस्तेमाल भाई मैं हर बार ही बता चुका हूँ कैसे यूज करना है भाई। इसको 2 लीटर पानी में, दो ढक्कन आपको इसी के, दो ढक्कन यूज करने हैं ठीक है, दो ढक्कन 2 लीटर पानी में। और उसको भाई आप अपने कबूतरों को 2 दिन कंटिन्यू पिलाइए दाना खिलाने के बाद। जैसे शाम को आपने दाना खिलाया, कबूतर पानी तो पिएगा ही दाना खाने के बाद, दाना खाने से पहले उसके लिए पानी मत रखिए, दाना खिलाने के बाद उसको पानी पिलाइए 2 लीटर पानी में दो ढक्कन मिलाकर ठीक है। और इसके जगह पर आप ये लिवर 52 है, लिवर टॉनिक, ये भी बहुत अच्छा लिवर टॉनिक है ठीक है। आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, पर जो सबसे, मैं भी जो सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ भाई, वो हमारा ब्रूटोन ही है। ये लिवर टॉनिक है और इसके साथ साथ इसमें बहुत सारे विटामिन्स भी ऐड होते हैं ठीक है, यीस्ट भी ऐड होता है। तो जो भी आपको सही लगे आप यूज़ कर सकते हैं। लिवर टॉनिक भी भाई बहुत अच्छी चीज़ है, लिवर 52 जिसे कहते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। इसको भी आप ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं कि आप 2 लीटर पानी में दो ढक्कन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है। और कभी भी याद रखिएगा भाई, लिवर टॉनिक हमेशा 2 दिन कंटिन्यू यूज़ करने हैं आपको। यूँ मत करिएगा कि भाई 1 दिन पिला दिया फिर 4 दिन बाद पिला दिया, ऐसे नहीं, लगातार 2 दिन पिलाइए। सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे कोई भी 2 दिन चूज कर लीजिए और इसका इस्तेमाल करिए। उससे आपके कबूतरों में पोटे जाम की बीमारी या कोई कबूतर ऐसा होगा जिसका भाई स्टमक अपसेट होगा, तो वो कबूतर भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, 2 दिन की डोज में बिल्कुल ठीक हो जाएगा ठीक है। और ये देना आपको एक ही टाइम है शाम को, ये नहीं कि आप पूरे दिन यही पिलाए जा रहे हो, ऐसा मत करना। सुबह सादा पानी पिलाइए और शाम को भाई आप दाना खिलाने के बाद लिवर 52 पिला दीजिए ठीक है। इसके बाद आते हैं भाई अब हम कुछ और चीज़ों पे जिसमें हम यूज़ करते हैं भाई, ये टेट्रासाइक्लिन हमारा जो पाउडर है, हालांकि ये सप्लीमेंट नहीं है और ये नेसेसरी यूज़ है भाई, ये बहुत ज़रूरी है यूज़ करना, क्योंकि हमारे कबूतरों में कई बार हमको पता नहीं चलता कि किसी कबूतर में कोई बुखार का या कोई भी छोटी मोटी बीमारी होती है। ये भाई एक तरीके का एंटीबायोटिक है जो कि काफ़ी सारी बीमारियों में यूज़ होता है आप हमारा ठीक है। तो आपको भाई ये हफ्ते से 10 दिन में एक बार ही यूज़ करना है, और ये आपको यूज़ करना है भाई जब कबूतरों को ये लगा लीजिए दाना खिलाने के बाद ही दे दीजिए, क्योंकि ये एंटीबायोटिक है और एक तरीके की दवाई है ये ठीक है। तो दवाई जैसे कि हम खाना खाने के बाद लेते हैं, तो वैसे ही आप इसको खाना खिलाने के बाद यूज़ करिए। और आपको ये यूज़ कैसे करना है, ये आपको भाई 2 टेबल स्पून लेने हैं ठीक है, 3 से 4 लीटर पानी में 2 टेबल स्पून ले लीजिए और उसको मिला दीजिए। ज़्यादा भी मत ऐड करिएगा भाई, कबूतरों से पिया ही नहीं जाएगा, कड़वा हो जाएगा ठीक है। तो आपको इस तरीके से टेट्रासाइक्लिन का यूज़ करना है। और इसके बाद हम दिखाते हैं आपको भाई, ये है पावर जेल, ये पावर जेल है, ये भाई एक्चुअली ह्यूमन में यूज़ होती है, ये कोई ऐसी दवाई नहीं है जो वेटरनरी के लिए यूज़ हो, पर बहुत ही अच्छा रिजल्ट है भाई इसका। मतलब जो कबूतर थोड़ा ढीला बैठ रहा हो ना, तो मैं सीरियसली कह रहा हूँ उसको बस कुछ मत करिए, 5 बूंद पावर जेल की और 5 बूंद ब्रूटोन की दे दीजिए 2 दिन लगातार, कबूतर भाई बिल्कुल 3रे दिन ही खड़ा हो जाएगा बिल्कुल, और दाना वाना खाने लग जाएगा दोबारा से अपना, जो भी अपनी पुरानी उसमें आ जाता है वो ठीक है। जो चीज़ें थी वो तो मैंने आपको बता दी हैं। अब इसमें 2 चीज़ें और हैं भाई जिसको हम ऐड करना है हमको, जिसमें कि भाई एक तो जब कबूतर सोखे में आता है और पानी पानी पीता है भाई, ज़्यादातर पानी का यूज़ करता है, और गर्मियों में नॉर्मली जो हमको ज़रूर एक बार ही भाई हफ्ते में एक बार ही यूज़ कराना चाहिए, वो है भाई ORS। आप उसमें ORS ले लीजिए या इलेक्ट्रोल ले लीजिए, दोनों में से कुछ भी आप ले सकते हैं। आप उसको भाई उसी हिसाब से यूज़ करिएगा जिस हिसाब से उसके रैपर के पीछे लिखा होता है कि कितने गिलास में कितना यूज़ करना है, और वो कबूतरों को आप पिलाइए ठीक है। और दूसरी बात, वो सबसे ज़्यादा यूज़ जो WHO का जो ORS है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है भाई जब कबूतर पानी पानी नहीं पीता रहता, जब सूखे में आता है और भाई पानी पे टूट के पड़ता है, दाना खाता ही नहीं है, तो भाई आप उस टाइम उस कबूतर को वो पानी पिलाइएगा देखिएगा भाई वो कबूतर कितनी जल्दी रिकवर करता है धीरे धीरे। हैं आप जब भी उसके सामने, बेशक आप अगर वो कबूतर खुलते ही पानी पीता है, आप उसको एक फड़की में अलग डाल के रखिए, उसके साथ वो ORS वाला पानी भर के रख दीजिए, जिसको पीने दीजिए ठीक है। एक बार पिएगा, 2 बार पिएगा ठीक है, धीरे धीरे शाम तक उसका पानी पूर्ति होने दीजिए, उसको देख करने दीजिए ठीक है। फिर धीरे धीरे उसको, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बता रखा है फीड वगैरह यूज़ करके कैसे उसको दोबारा अपनी पुरानी पोजिशन पर लेकर आना है, तो पहली आइटम तो भाई ORS, और लास्ट में जो भाई सबसे इंपॉर्टेंट आइटम बता रहा हूँ वो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, वो मेरे को लेके आनी है, और एक्चुअली वो मैंने ऑर्डर कर रखी है तो वो अभी आने में टाइम लगेगा, पर वीडियो बनानी ज़रूरी थी। वो है भाई अमीनो पावर, अमीनो पावर की फ़ोटो आपके भाई स्क्रीन पर आ जाएगी। वो भाई बच्चों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, और वो यूज़ कैसे करनी है कि भाई आप उसकी, या तो आप उसको पानी में मिला के यूज़ कर लीजिए, या फिर आप अपने बच्चों को रोज़ शाम को भाई 3 से 4 बूंद अमीनो पावर की पिलाइए, ड्रॉप्स ड्रॉप्स में से 3 से 4 बूंद पिलाइए, और उसके ऊपर से 5 से 7 ml पानी दे दीजिए
तो रेगुलर आपको इस तरीके से अमीनो पावर को यूज़ करना है बच्चों के लिए, और बड़ों के लिए आप यही 2 लीटर पानी में 2 ढक्कन का इस्तेमाल करके उसे पिला सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटी सी वीडियो थी भाई, जिससे कि मतलब रेगुलर यूज़ करने से इन सब चीज़ों का आपके कबूतरों में बीमारी आएगी ही नहीं, और इसके साथ आप वैक्सीन अगर भाई टाइम टू टाइम यूज़ करते रहें तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। कुछ चीज़ें हैं भाई जो यूज़ होती हैं, सारी वीडियोस मैंने बना रखी है, पर सप्लीमेंट्स की जो मेन वीडियो थी आज मैंने आपके सामने रख दी है, जो यूज़ होते हैं नॉर्मली भाई यही यूज़ होते हैं, कोई ज़्यादा इसमें एड ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, आप इन्हीं को चलाइए टाइम टू टाइम चलाइए। हम एक्चुअली में करते क्या है, हम इनका यूज़ करते कब है पता है, हम कहाँ गलती करते हैं, हम गलती करते हैं कि जब हम इनका यूज़ तब करते हैं जब हमारे कबूतर बिल्कुल ख़त्म हो चुके होते हैं या बीमार हो चुके होते हैं, तब हम भागते हैं इनके पीछे, ठीक है। जबकि इनका यूज़ भाई आपको कंटिन्यू करना चाहिए अपने कबूतरों में, जिससे कि आपके कबूतर हेल्दी रहें, बने रहें हेल्दी, ठीक है। तो ये छोटी सी वीडियो थी, कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा, अगर पसंद आई हो तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपना प्यार ज़रूर देना, और किसी भाई को अगर कोई प्रॉब्लम है तो जैसे कि मैं बताता हूँ इंस्टाग्राम पे आपके पास लिंक आ जाएगा, आप जाके फॉलो करिए और हम आपको वहाँ पे शॉप करवाते रहेंगे भाई। आगे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ आने वाली हैं, काफ़ी सारी अच्छी शर्तें भी कवर करूँगा, और हम जो खुद उड़ाएंगे कबूतर भाई वो भी ज़रूर आपको दिखाएंगे भाई कैसे कैसे तैयारी करते हैं कबूतर उड़ाने की, ठीक है। तो धन्यवाद और नमस्कार।